नमस्कार, आज हम बात करेंगे रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में। रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है, रेक्टल प्रोलैप्स के होने के कारण क्या क्या होते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स जब होता है तो ये अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है, लक्षण क्या देता है, रेक्टल प्रोलैप्स के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं और इसको घर पर रहते हुए कौन से जीवन शैली में ऐसे परिवर्तन करने हैं, कौन से ऐसे नियमों का पालन करना है कि रेक्टल प्रोलैप्स धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाए। रेक्टल प्रोलैप्स और इंटरनल हेमोरॉइड्स में क्या डिफरेंस है, दोनों को किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें वीडियो में हम अंत तक जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले रेक्टल प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स का मतलब होता है कि आपका रेक्टम जो है वो प्रोलैप्स होकर के बाहर निकलना चालू हो जाए। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि रेक्टम क्या होता है। एग्जैक्टली हम देखेंगे रेक्टम क्या होता है। अब हमने पहले एक पूरी की पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फोटो बनाया इस तरीके से, ये मुंह आहार नाल, ये आमाशय, ये छोटी आंत, इस तरीके से बना ली हमने। छोटी आंत के बाद में फिर ऐसे करके यहां से चालू हुई बड़ी आंत, ये बड़ी आंत चालू हुई और ये बड़ी आंत का असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन, ये सिग्मोइड कोलोन, ये रेक्टम और यहां आकर के ऐसे आया ये एनस। ठीक है, तो रेक्टम मतलब लास्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी इधर अंदर वाली जो छोटी पतली सी है ये वाली, और ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन यहां से शुरू होती है जिसको इलियोसीकल जंक्शन बोला जाता है। इलियोसीकल जंक्शन मतलब इलियम, छोटी आंत का लास्ट वाला पार्ट और बड़ी आंत का पहला वाला पार्ट जिसको सीकम बोलते हैं, ये जब जुड़ते हैं इलियोसीकल जंक्शन बनाते हैं और यहां से ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग कोलोन और फिर सिग्मोइड कोलोन, फिर रेक्टम। तो ये रेक्टम जो है ये ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो ये रेक्टम, जब ये रेक्टम है तो रेक्टल प्रोलैप्स, प्रोलैप्स का मतलब है ये एनस जो है ये इस तरीके से ये रेक्टम आया था और रेक्टम आकर के ये जो है ये है आपका एनस जो इस तरीके से बंद रहता है, इस तरीके से बंद रहता है। और जब इसमें से ये रेक्टम जो है ये ऐसे करके बल्ज होकर के बाहर आना चालू हो जाए, प्रोलैप्स होकर के बाहर आना चालू हो जाए, ये ऐसे करके अगर लटकना बाहर की तरफ चालू हो जाए तब इसको बोला जाएगा रेक्टल प्रोलैप्स। ठीक है, रेक्टम जो है वो प्रोलैप्स होकर के एनस से बाहर की तरफ आना चालू हो जाता है तब इसको बोला जाता है रेक्टल प्रोलैप्स। ठीक है, अब रेक्टल प्रोलैप्स जो है इसके होने के सबसे बड़े कारण क्या है, तो सबसे बड़े कारण जो है वो होते हैं मांसपेशियों का कमजोर होना। रेक्टम जो है ये रेक्टम सपोर्टेड है यहां पर, ये जो है ना पेरिनियल मसल्स जो होती हैं, पेल्विक मसल्स जो होती हैं, पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो हैं, इन पर ये रेक्टम रिसाइड कर रहा है, ये रेक्टम रेस्ट कर रहा है और यही एक जाल जैसा स्ट्रक्चर है जो रेक्टम को ऊपर की तरफ होल्ड करके रखने का काम करती है। जब ये मसल्स कमजोर होती हैं तब फिर ये रेक्टम जो है वो नीचे की तरफ जाना चालू हो जाता है। जैसे आप जाल पर, जाल वाला झूला है उस पर बैठे हो और जब झूले की जो मैस है वो कमजोर हो जाती है तो आप नीचे की तरफ गिरना चालू हो सकते हैं। ठीक वैसे ही ये जो मांसपेशियों का मैस था, जो जाल था, जब ये कमजोर पड़ता है तब फिर आपका रेक्टम नीचे की तरफ आना चालू हो जाता है। तो पहला कारण तो ये क्या है, मांसपेशियों की कमजोरी। हम यहां देख लेंगे मांसपेशियों की कमजोरी। अब ये देखा जाएगा कि मांसपेशियों की कमजोरी अगर कारण है तो मांसपेशियां कमजोर क्यों होती हैं। मांसपेशियों की कमजोरी के कारण जितने भी हैं वो सारे के सारे कारण रेक्टल प्रोलैप्स के कारण बन सकते हैं। अब मांसपेशियां कमजोर क्यों होती हैं, नीचे की तरफ है मांसपेशियां, अब ऊपर से अगर नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा लगा रहे तो कब्ज अगर आपको ज्यादा रहे, या फिर आपका पेट एक बार में ढंग से साफ नहीं हो रहा, आपको बार बार करके मोशन जाना पड़ रहा है तो भी प्रेशर नीचे जा रहा है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय पर सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है
और प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है और नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करी जाती है, तब तो फिर सबसे ज्यादा प्रेशर महिलाओं में पेल्विक फ्लोर की मसल्स पर पड़ता है और वो एक बड़ा कारण होता है पेल्विक फ्लोर की मसल्स की कमजोरी का। सामान्य तौर पर ऐसा देखने में आता है कि एजिंग जो है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे तो सबकी ही मांसपेशियां और हर जगह की पूरी मस्कुलोस्केलेटल मसल्स वीक होती तो सबकी ही हैं, लेकिन ये जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं ये मसल्स थोड़ा जल्दी वीक होती हैं ड्यू टू एजिंग, उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ रेक्टल प्रोलैप्स तो थोड़ा बहुत तो सबके साथ आता है, लेकिन अगर आप एडल्ट एज में हैं अभी और अगर जैसे जो नॉर्मल डिलीवरी फीमेल हैं अगर कोई और वो नॉर्मल डिलीवरी उनकी अगर दो या तीन नॉर्मल डिलीवरी हुई हैं बच्चे हुए हैं तो उस केस में तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स डेफिनेटली वीक होती हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और एट द टाइम ऑफ नॉर्मल डिलीवरी जो होती है, वजाइनल डिलीवरी जो होती है उसमें डेफिनेटली ये समस्या रहती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी डिलीवर हुआ बच्चा उसके बाद कुछ समय के बाद मांसपेशियों को ताकतवर बनाने के लिए व्यायाम जरूर किया जाए, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस जरूर करी जाए। तो ये तो कुछ कारण हो जाते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बड़ा कारण होता है, पेट में गैस ज्यादा बन रही है या फिर आप रेगुलर एक्सटर्नल स्ट्रेन डाल रहे हैं, ऊपर से जोर से आप प्रेशर डाल रहे हैं। सामान्य तौर पर आजकल ये लोग ज्यादा कर रहे हैं कि बैठ जाते हैं मोशन में और पेट जो है वो दबा दबा करके पूरे मल को निकालने की कोशिश करते हैं और वो एक बड़ा कारण बन जाता है रेक्टल प्रोलैप्स का। तो कब्ज बन रही, कब्ज ज्यादा है, गैस ज्यादा है, आप बाहर से जोर ज्यादा लगा रहे हैं या आपको क्रॉनिक कफ की समस्या है, बार बार जोर से खांसी होती जब ऐसे करते हैं आप तो पेट आपका बार बार दबता है और ये पेट जो दबता है वो नीचे की तरफ डेफिनेटली प्रेशर लगाना चालू रखता है। तो जिनको ज्यादा खांसी की समस्या है या फिर जिनको बहुत छींकें आती हैं, क्रॉनिक स्नीजिंग की प्रॉब्लम है या क्रॉनिक एलर्जी की वजह से सवेरे सवेरे जोर जोर से छींकें आती हैं, ऐसा के ये भी कारण बनता है रेक्टल प्रोलैप्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप लगातार एक ही जगह पर बैठे रहने का काम कर रहे हैं तो मसल्स जो है ना धीरे धीरे करके वीक हो जाती हैं। आप लगातार एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, कोई व्यायाम नहीं कर रहे हैं, वो आपके पेट को खराब करने का काम करेगा, साथ साथ आपके मांसपेशियों को भी खराब करने का काम करेगा। तो ये सारे कारण होते हैं। अब हम देखेंगे कि लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण, सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपको हमेशा ऐसा लगेगा जैसे आपके एनस पर भारीपन है, दबाव बना हुआ है, प्रेशर बना हुआ है, हमेशा आपको ऐसा लगेगा जैसे एनस पर कुछ रखा हुआ है। अगर ऐसा लग रहा है तो ये एक केस हो सकता है रेक्टल प्रोलैप्स की वजह से, ठीक है। दूसरा होता है कि आपके रेक्टम से थोड़ा थोड़ा कुछ ऊज होता रहेगा, आइदर फीकल मैटर हो सकता है और म्यूकस हो सकता है। अगर कहीं ये जैसे रेक्टल प्रोलैप्स ज्यादा है तो म्यूकस और फीकल मैटर ही आएगा। अगर ये इंटरनल हेमोरॉइड का केस होता तो डेफिनेटली कभी कभी ब्लड वेसल अगर ऊज होगी, रप्चर होगी अंदर, तो माइल्ड सा रेड कलर का कुछ सब्सटेंस निकल करके आएगा, फ्लूड निकल करके आएगा, वो फिर डिफरेंशिएट करने का एक फीचर हो सकता है कि रेक्टल प्रोलैप्स है सिंपल या फिर इंटरनल हेमोरॉइड्स की वजह से म्यूकोसल प्रोलैप्स हो रहा है, ठीक है। तो ये देखा जाएगा। अब इसमें हम देखें कि एक तो सिम्टम हो गया कि नीचे हमेशा ही भारीपन लगेगा एनस के पास, या फिर आपको कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे लीकी एनस है, कुछ ना कुछ ऊज हो रहा है, लीक होता चला जा रहा है, निकलता चला जा, टपकता चला जाता है कुछ ना कुछ, अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये केस जो है वो रेक्टल प्रोलैप्स का हो सकता है। अगर आप देखते हैं कभी तो देखने में कभी कभी ऐसा आता है कि जैसे एनस से नीचे की तरफ रेड कलर का मांस जैसा कुछ निकला हुआ है। सामान्य तौर पर बच्चों में जैसे छोटा बच्चा होता है बहुत स्ट्रेन करके मोशन जाता है, दूध पी रहा है केवल या फिर बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें खा रहा है जिसकी वजह से उसके इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज हो रही है या फिर कहीं कोई आंतों में कोई समस्या है, क्रॉनिक कोई ऐसी आंतों की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके बाद में बच्चे को जब डेफिकेट करने में जोर लगाना पड़ता है और हार्ड स्टूल निकल करके आता है, तब आप देखते हैं कि रेड कलर का रेक्टम जैसा कुछ निकल करके, रेड कलर के मांस जैसा कुछ निकल करके आ रहा है, तो वो रेक्टल प्रोलैप्स का केस ही होता है। अब बच्चों में और बड़ों में अंतर क्या है? बच्चों में तो अगर ये समस्या होती है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी मांसपेशियां कमजोर हुई, जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, मांसपेशियां धीरे धीरे करके अपनी ताकत रिगेन करेंगी और वो समस्या बिल्कुल हील आउट हो जाती है। लेकिन जो एडल्ट्स हैं उनको
इस समस्या को ट्रीट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने में सबसे पहली मेहनत क्या करनी पड़ेगी कि जो भी उनके क्रॉनिक बाउल डिसऑर्डर्स जो भी हैं, जो भी आंतों से संबंधित समस्याएं जितनी भी हैं, आंतों की समस्याओं को बिल्कुल दूर किया जाए। आंतों की समस्याएं अगर बनी रहेंगी ना तो डेफिनेटली ये रेक्टल प्रोलैप्स का केस पूरे तरीके से सही नहीं हो पाता है। इसलिए अगर रेक्टल प्रोलैप्स को ठीक करना है तो डेफिनेटली आपको अपने पेट की सारी समस्याओं को बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। अगर पेट की समस्याएं ठीक रहेंगी तो धीरे 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 करके रेक्टल प्रोलैप्स जो है ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा था वो प्रेशर कम होगा, रेक्टल प्रोलैप्स में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू होगा, पहला इलाज। दूसरा इलाज जो होता है वो है कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस का मतलब जब आप अपनी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को ऊपर की तरफ जोर से खींचते हैं और खींच करके अगर आप रख सकते हैं तो 10 से 15 या 20 सेकेंड आप खींच करके रखिए, इसको रोक करके उसके बाद धीरे से रिलीज करिए। सांस को भरा, सांस को पूरा छोड़ा, सांस को छोड़ते समय इस प्रोसेस को करना है। खींच के रखा जोर से, पूरी की पूरी एनल मसल्स को ऊपर की तरफ खींच के रखा है, जो एनस के आसपास की मांसपेशियां उनको खींच के रखा है, एनस को पूरा ऊपर की तरफ खींच के रखा जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको रिलीज करेंगे 10 से 15 या 20 सेकेंड मैक्सिमम होल्ड करने के बाद। तो ये कीगल एक्सरसाइजेस प्लस पेट की समस्याओं को ट्रीट करना। पेट की समस्याओं को ट्रीट करने के लिए बेसिकली तीन चार चीजें हैं। एक तो कोशिश करो आप खाने में फॉलोअप करने की, दूसरा फॉलोअप रहेगा व्यायाम का तो व्यायाम अच्छे तरीके से हो, तीसरा जो जरूरी है वो है आपका लाइफस्टाइल, जो आपकी जीवन शैली है। जीवन शैली आपकी बहुत सेडेंटरी नहीं होनी चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर रखी जाएगी तो डेफिनेटली मांसपेशियां और कमजोर होना चालू हो जाती हैं, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आपको बिल्कुल खत्म करके रखना पड़ेगा। और चौथा जो है वो नेचुरोपैथी के कुछ ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। तो नेचुरोपैथी के कुछ ट्रीटमेंट्स कौन से हैं हम ये देखते हैं। अब सबसे पहले खाने पीने में जो ध्यान रखना है, हमको हल्का खाना है जो जल्दी पच जाए। तो आप फल खा सकते हैं, आप उबली हुई सब्जियां खा सकते हैं, बहुत मोटे आटे की रोटी और सब्जी में तेल चिकनाई मिर्च मसाले कम से कम हो, ऐसा खाना आपको खाना है। खाने को खाने में आपका आपको टाइम का ध्यान रखना है। नाश्ता जो है केवल फलों का हो जाए या फिर वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी हो जाए। दोपहर का लंच आपका 12:30 बजे हो जाए और डिनर आपका 7 बजे के पहले पहले हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। पानी आपको दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके बार बार पीते रहना है ताकि कहीं पानी की कमी होकर के हार्ड स्टूल्स ना हो। इसके अलावा दूसरा जो है वो है व्यायाम। तो व्यायाम में वैसे जनरल एक्सरसाइजेस भी करिए लेकिन साथ में आप कोशिश करिए कीगल एक्सरसाइजेस दिन में 3 बार जरूर की जाए। कीगल बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, कीगल एक्सरसाइजेस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा फॉर मेल फॉर फीमेल, अलग अलग एक्सरसाइजेस का पूरा सेटअप बताया हुआ है, वीडियोज है, आप उनको देख सकते हैं सर्च करके। तो ये व्यायाम हो जाएगा। इसके बाद लाइफस्टाइल में आपको सवेरे जल्दी जाग जाना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना है, अपने खाने पीने के टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस जरूर करनी है। ये जीवन शैली के विशेष परिवर्तन हैं, इनको जरूर ध्यान में रखें। एक नियम बना लें कि खाने को जब भी खाएंगे बहुत चबा के खाएंगे। अगर आप चबा करके नहीं खा रहे हैं तो पेट की समस्याएं चालू हो जाती हैं और पेट की समस्याएं चालू होंगी तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल डेफिनेटली आपकी मांसपेशियां कमजोर होंगी, आपका पाचन तंत्र भारी होगा, जिसकी वजह से ये समस्या आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके बाद अब आती है नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट। नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट में रेक्टल प्रोलैप्स के लिए सबसे बढ़िया इलाज होता है, आप कैसे भी करके ठंडे पानी में कटी स्नान लें। एक टब कोई लेकर के रख लीजिए, उस टब में सादा पानी भर लीजिए। सादा पानी मतलब ठंडा, जो टैप वाटर होता है वो। उसमें अगर पानी में इन्फेक्शन के चांसेस लग रहे हैं तो आप अगर नीम के पत्ते डाल सकते हैं तो नीम के पत्तों की चटनी बना के डाल लीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप डेटॉल या फिर बीटाडीन जो आती है लिक्विड बीटाडीन, आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी, वो भी डाल सकते हैं। नेचुरल ज्यादा अच्छा ये है कि आप नीम के पत्ते डालें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सादे पानी में चटनी बना करके घोल करके पानी में डाल लें और उस पानी में आप कम से कम 20 से 30 मिनट दिन में एक बार, अगर संभव हो जाए तो 2 बार बैठना चालू करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। रेक्टल प्रोलैप्स पे भी आराम मिलेगा, मांसपेशियां भी धीरे धीरे करके, क्योंकि ठंडे पानी से टोनिंग होती है मसल्स की, तो मसल टोनिंग होना चालू हो जाएगी। प्लस जो आपकी आंतों की समस्याएं हैं, पेट की समस्याओं के लिए कटी स्नान सबसे बढ़िया इलाज माना जाता है, तो ठंडा कटी स्नान रेगुलर लीजिए। अगर आपको और जैसे पेट को खाली करना है तो फिर पेट का गर्म ठंडा से एक,
फिर पेट पर मिट्टी की पट्टी और उसके बाद एनीमा। ये आप खाली पेट सवेरे सवेरे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये बहुत उपयोगी उपचार है, डेफिनेटली आपको ये रेक्टल प्रोलैप्स की समस्या से बहुत जल्दी निजात दिला देगा। आशा है ये वीडियो पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।